हालात तो ठीक नहीं है। पिछले कई दिनों से यहाँ पर टेररिस्ट की बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है यहाँ पर। तो किस तरह से आप उनके खिलाफ अपना काउंटर करते हैं आप? वो तो सिक्योरिटी रीजन से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता दूं कि जितनी भी वीडीजीज है वो बिल्कुल सतर्क है। कल भी हमारी वीडीजीज के साथ मुठभेड़ हुई है, आतंकियों के साथ हमारे बंदों ने एम्बुश लगाया हुआ था उनके ऊपर। लेकिन इनके, और आपको एक बात और बता दूं, हमारे कुछ यहां का जो सपोर्ट मिल रहा है उनके ऊपर, सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनके ऊपर शिकंजा कसे। क्यों सरकार नाकाम हो रही है उनके ऊपर शिकंजा कसने से? आखिर अगर इतने दिनों से यहां पर आतंकवाद घूम रहा है तो वो क्या फाके थोड़ी मार रहे हैं? कोई ना कोई तो उनको पनाह दे ही रहा है ना, तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी हमारी क्या कर रही है? और दूसरी बात आपसे यह कहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारे एसओजीज, पुलिस, वीडीजीज, एक्समैन, यहां तक कि आपको बता दूं यहां पर एक्समैन का बहुत बड़ा रोल है। वो हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हम लोगों को बताते हैं कैसे गार्डन लगाना है, कहां जाना है, कैसे क्या करना है, वो सारी डिटेल बताते हैं। तो उनके पास आधुनिक हथियार है, आपके पास कौन सी गन? देखिए, बदकिस्मती तो यही है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर विश्व के स्तर पर अपने देश को लेना चाहते हैं। और आप देख रहे हैं कि आज भी हम इस 1947 वाली गन से इन जंगलों में टेररिस्ट के साथ मुकाबला कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऑलरेडी पहले से ही इतना एडवांस वेपन है। और आपको बता दूं, सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई पॉलिसी फ्रेम करे, वीडीजीज को नए से और यहां पर ट्रूप्स और बने, यहां पर अच्छे पढ़े लिखे लड़के लोग हैं जो काम करना चाहते हैं। यह नहीं कि कोई इसी का जज्बे से काम, देखो 90s के दौर में जब हम लोग गए थे तो तब भी इसी जज्बे से गए थे। कोई वहां पर उस टाइम तो कोई सवाल ही नहीं था कि पैसा मिलेगा या कोई इसकी कोई पॉलिसी बनेगी। उस टाइम भी यह था कि किसी भी ढंग से इसको नस्त नाबूद, इसको खत्म करना, इस गंध को तो खत्म किया। यहां पर आपको बता दें कुछ ऐसे ऐसे इलाका है जहां पर हम लोगों का कुत्ता तक नहीं मरा था इन टेररिस्ट से। लेकिन आज बदकिस्मती है कि कुछ दिन पहले हमारे ही इलाका में, उर्डबग्गी में, हमारे देश के वीर चार सपूत, जिसमें एक मेजर, वो शहीद हुए हैं। बहुत पहली बार ये अल्फा कंपनी का इतना बड़ा नुकसान हुआ है यहाँ पर।